वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग। आज का दिन बहुत ही सुहाना है। सुबह सुबह तो यहाँ पे धूप निकली थी, मौसम ने बिल्कुल करवट यहाँ पे बदल लिया है। अब थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बारिश की बूंदे भी आने लगी है। यहाँ पे जब मैं मॉर्निंग 8 बजे उठा था तो यहाँ पे बिल्कुल धूप थी, बादल सर पे आ गए हैं और ये सामने आप पहाड़ियाँ देख सकते हैं। ये क्या है? पिकाचू है। इतना सेवा करते हो, इसको ठंड लगेगी? खुद लगा लो, ठंड लग जाएगी आपको। और बहुत ज्यादा हवा चल रही है। अच्छा, पोछे लगाने लगे? ये लगा के लगा लो ना, चाय सुबह सुबह सबके लिए। अदरक वाली। मौसम तो वैसे खराब है यार, अच्छी बात है, चाय बनाओ, अपना वर्क कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे आज भी काम है, कल का जो काम था हमारा पूरा हो गया है। शिरडी वाले बाबा जो मंदिर है यहाँ पे चंडीगढ़ में, वहाँ पे हम आ चुके हैं। बाइक हमने पार्क कर दिया, ट्रैफिक कर रहा है, सबको देखने को मिल सकती है। टेम्पल है वह सेक्टर 29 चंडीगढ़ में है। जूते चप्पल आपको जमा करने होंगे मंदिर में प्रवेश करने से पहले। यहाँ से आप फ्लावर वगैरह ले सकते हैं पूजा करने के लिए, आई भगवान मंदिर का। सो यहाँ पे हमने पूजा करने के लिए मात्र 40 रुपए में प्रसाद और फूल दोनों है इसमें। आई थिंक लाइन नहीं है ना, उधर वो प्रसाद की लाइन है, पूजा की लाइन नहीं है। साईं जी का मंदिर, एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे हम ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये मंदिर है, यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। ये सेक्टर 29 चंडीगढ़ में है और अभी इवनिंग का समय है और भीड़ यहाँ पे काफ़ी आपको ज़्यादा मिल सकती है देखने को। ये जो सामने आप LED देख रहे हैं वहाँ पे आप लाइव दर्शन कर सकते हैं, टाटा स्काई का ये दर्शन चैनल है। में आपको किचन मिलेगा जहाँ पे प्रसाद वगैरह बनती है, साइड में वहाँ पे रोटियाँ बनती है। कभी भी प्रसाद यहाँ पे घटता तक नहीं है, ऐसा यहाँ का मानना है। ये यहाँ पे जो झूला आप देख सकते हैं, ये झूला शिरडी बाबा साईं मंदिर में ही आपको देखने को मिलेगी। अपने अपने ड्रेस कोड में यहाँ पे कुछ पुजारी हैं, आपको वहाँ पे पुजारी मिल सकते हैं देखने को। यहाँ पे आप पूजा वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पे तैयारी चल रही है, फंक्शन शायद मेरे हिसाब से होने वाला है, मैं इसी की बात कर रहा था यहाँ। ये आपको जहाँ पे मैंने बताया किचन है, जहाँ पे लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है, वहाँ का ये बाहर का दृश्य है, कुछ साईं बाबा की तरफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखिए हमारे फ्रेंड्स लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए, ये मीठी चावल होती है कुछ रंगीन कलर की। फ्रेंड्स ये जो जगह है ना, ये जो आप तंबू देख रहे हैं, यहाँ पे फ्री सुविधा है भक्तों को रहने का, चाहे वो कहीं से भी आ रखे हो, कोई भी भक्त हो, यहाँ पे आप आराम से रुक सकते हैं। साईं बाबा का यहाँ पे आप लाइव दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिया, अच्छा हमारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। सो कोशिश करेंगे कि फिर से हमें साईं बाबा बुलाएं और हम उनके लिए जरूर आए यहाँ। अभी फिलहाल हम अभी अपने रूम पे चलते हैं। फ्रेंड्स हम अभी लाइटों पे हैं और थोड़े से दूरी पे यहाँ पे आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आज डिनर में क्या है हमारे साथ? दाल है। ओके। ये चावल है। ओके। ये थोड़ी सी सूखी सब्जी बनाई थी कद्दू की और ये थोड़े से आलू है और अभी हम रोटी बनाएंगे, आटा गूंदना पड़ा है। साईं भगवान का आज का दर्शन हुआ हमारा, रात को यहाँ पे काफी अच्छा मौसम हो रखी है बाहर में, शायद कल ठंड होने वाली है। खाना पीना खा के ब्लॉग को एडिट करेंगे, बस यही है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रो।